Welcome to Yogic and Modern Science. Today, let us explore about time travel. And this is our second episode about time travel. Because there are many misconceptions about time travel among scientists and among other curious people. Because scientists mistake time travel by the difference of time. Now we will understand the concept of time travel from the yogic science point of view. And Sharmaji is going to tell us about the real time travel from the yogic science point of view. Sharmaji, what is time travel from the yogic science point of view? योगिक साइंस में जो टाइम कहा गया है वो उसमें उसके तीन भाग किए गए हैं एक ही टाइम के. तो एक टाइम को वर्तमान में कहा गया, और जो वर्तमान में है फिर भूतकाल है, पीछे का समय है, आगे भविष्यकाल, इसके तीन भाग किए गए. ये इसमें तीन भाग कर एक ही टाइम के तीन टुकड़े करने की जरूरत क्या थी, एक ही टाइम से काम चला लेते. तो एक टाइम इसलिए नहीं इसको रखा गया क्योंकि एक जो टाइम है वो स्पष्ट और प्रमाणित होने के लिए किसी आधार की जरूरत पड़ती है. तो आधार की जब जरूरत पड़ी तो यहाँ पर अगर हम मूल सिद्धांत को देखें, हम ये इस वक्त अपने यहाँ पे नहीं टाइम को देख रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी गहराई में मूल सिद्धांत में देखें तो वहाँ एक अंडाकार स्थिति है. और अंडाकार स्थिति में जो परमात्मा की गति और शक्ति जो चल रही है तो वो ऊपर से नीचे की ओर आई है. तो अंडे के सामने से जब हम देखते हैं तो अंडे के ऊपर से जैसे निकलती है तो उसका अंडा आधार है. वहाँ पर वो अंडे को कंट्रोल करते हुए जब निकलती है तो अंडा आधार है. आधार में ये चीज़ दिखाई गई कि यहाँ आधार है और वहाँ वो फ्री जा रही है और ऊपर भी फ्री जा रही है. तो जहाँ से चली थी वो उसको भूतकाल बताया और जब अंडे पे आई उसे वर्तमान बता दिया. और जब नीचे चली गई अपने केंद्र में चली गई तो केंद्र में वहाँ उसे भविष्यकाल बता दिया कि ये भविष्य का टाइम है. तो हमने इस अपने सिद्धांत से इस टाइम के तीन भाग किए. तो जब हमने तीन भाग किए अब हमने ये देखना है कि ये तीन भाग में तीनों अलग अलग कैसे काम कर रहे हैं. तो पहला भाग जो जब ऊपर से चला जहाँ जिसे भूत कहते हैं, जिस वक्त वो चलता है तो वो उस वक्त फ्री है, वो ब्लाइंड है, वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई आप को संदेश नहीं जा रहा, कोई निशान वो ऐसा नहीं छोड़ रहा कि कुछ है. मगर जब वो वर्तमान में हम जब आते हैं तो वहाँ अंडे पे आधारित होता है जिससे हमें आभास होता है कि हाँ यहाँ गति है. तो जब वहाँ से हमें गति का पता चला तो हमें टाइम का ज्ञान हुआ. तो हमने जब टाइम का ज्ञान हुआ तो हमने उसे वर्तमान में देखा. तो वर्तमान में हम भूत को भी देखते हैं और वर्तमान में ही हम भविष्य को भी देखते हैं. तो दोनों जो जहाँ बिना आधार के हैं दो टाइम दोनों, वो मैंने देखे हैं. वो ऐसा उसमें है कि हमने आधार बताया है जिस चीज़ को, हम जब जिसे आधार बता रहे हैं उसे आप ठीक से समझ लें कि जिसे हम आधार बता रहे हैं वो है आकार और साकार और निराकार. ये वर्तमान में ये तीन स्थिति है कि वर्तमान में तीन ऐसी स्थिति हैं जहाँ साकार निराकार आकार हैं. अगर तीनों ये वहाँ मौजूद हैं इसका मतलब वर्तमान है. और जैसे ही ये वर्तमान स्थिति को हटा लेते हैं तो वो भूतकाल हो जाती है और भविष्य का एक भाग आ जाता है. तो भूतकाल जैसे होता है तो वहाँ भूतकाल में साकार और निराकार ये दो चीज़ नहीं होती है. ये बहुत सिद्धांतिक बात है और ये हमारे यौगिक विज्ञान में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पर साकार और निराकार नहीं होते. अर्थात वहाँ पर एक चेतन प्रक्रिया होती है जो एक आकार में, हम एक बहुत पहले बात कह चुके हैं कि अंडे इस सामान्य एक अंडे होते हैं और एक हार्डनेस अंडे होते हैं. एक प्रकार के ऐसे अंडे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म अंडे होते हैं और वो अंडे इसमें आकारों में अनेक आकारों में इसमें इस ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं. तो वो जो आकार में भरे पड़े हैं उनकी सबकी क्रियाकलाप है, जो आकारों हैं उनकी क्रियाकलाप है.
तो ये पूरी की पूरे ब्रह्मांड में हर चीज स्थापित है, स्थापित और स्थित दो चीज है, तो वो दो चीजें स्थित है। इसलिए जब हम कभी टाइम साइंटिस्ट अगर कोई कहें या कोई महात्मा कहें हम टाइम ट्रेवल करते हैं तो हम साकार और निराकार के साथ नहीं, ना तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में हैं। तो हम जब वर्तमान में हैं तो हमें पीछे जाना होगा, तो हम किसी आकार में जाकर के अपने चेतन से देखेंगे, चेतन का वही फार्मूला आ गया है सामने फिर एक बार फिर कि दृष्टा और दृष्टि और दृश्य। तो दृष्टा प्योर चेतन है, दृष्टि उसकी परमात्मा की शक्ति है, और दृश्य जो है आपने उसे प्राकृति बताया है, हमने उसे पहले अंडे आत्मा बताया है, तो हमने वो चीज़ जो बताई है तो वो ये तीन चीज़ वहाँ आमने सामने होगी। इसी के आधार पर आप किसी भूतकाल को देख सकते हो, किसी भविष्यकाल को भी देख सकते हो। और ये हमने पहले ही बात ये रखी कि भूतकाल और भविष्यकाल हम थोड़ा थोड़ा तो हम वर्तमान में कई बार उदाहरण दे लेते हैं, यहाँ तक तो देख ही लेते हैं, चार कदम के दो कदम तो देख लेते हैं, हम लंबे समय की बात कर रहे हैं कि लंबे समय में आपने टाइम ट्रेवल करना है तो दूर स्थिति में आप जा सकते हैं, जैसे 2000 साल पहले या 5000 साल पहले, पहले जा सकते हो, 5000 के बाद भी जा सकते हो, पहले जा सकते हो, बाद में भी जा सकते हो, वहां भी देख सकते हो, यहां तक भी कि ये भी टाइम ट्रेवल ही है। अगर कोई जीव अपने आप से अपने आप का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कर रहा है तो ये टाइम ट्रेवल की ही तो बात है, मूल से चला था और मूल में ही जाकर के अपने आप से अपने आप को देख रहा है। तो ये चीज जो आ रही है इसमें भी वो तीनों चीजें हैं कि दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। तो ये जो फार्मूले को देख रहा है, आत्मा परमात्मा जीवात्मा को देख रहा है, तो वो ये चीज उसमें भी आ रही है। तो हमने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई आपने जिस तरीके से अगर समझे तो एक और तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि आपने कोई फिल्म जैसे एक बनी, तो जहाँ बनी है तो वो साकार और निराकार और आकार के जीवित लोगों ने बनाई है, और जो जीवित लोगों ने बनाई है मगर इस वक्त हम पर्दे पे जब चीज देखते हैं तो उसमें वो जीवित लोग नहीं है, मगर वो सारी क्रियाकलाप जीवित जैसे करते हैं, मगर यहाँ पर फिर वही मेथड है कि जैसे आपने वो आकार में रंग भरे हैं, ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि उन आकारों में अंडे भरे हुए हैं, तो जो अंडे भरे हुए हैं वो अंडों में वही क्रियाकलाप हो रहा है जो बाद में क्रमशः फिर आकर के फिर द्वापर में कृष्ण भगवान लड़ेंगे, जैसे द्वापर दूसरा आ जाएगा फिर कृष्ण भगवान पुनः लड़ेंगे, तो वो चीज़ वहीं की वहीं है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि नहीं, हमारा जहाँ माइंड है वहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि जो एक वायु होती है, हवा होती है, उसमें हम सांसों के द्वारा इस ब्रह्मांड से मैं अपने हिस्से की अपने आकार और साकार निराकार वायु को जो वायु में भरा हुआ है उस चीज़ को खींचते हैं, और जब हमारे माइंड के बाद वो फिल्टर होते हैं, जब उसका आदान प्रदान होता है, उसको ग्रहण करके वो जैसे ही छोड़ता है तो उस छोड़ी हुई प्रक्रिया को हम आकर के कभी ये सोचते हैं कि ऐसा मकान बनना चाहिए, ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये सब कहाँ से लाते हो? ये सब हम वहीं से लाते हैं क्योंकि ये सब प्राकृतिक में फीड है, मगर हमने प्रकृति से सांस के द्वारा खींच करके माइंड में फिल्टर करके हवा का फिल्टर करके और उसका आदान प्रदान करके मैंने इस चीज़ को बिल्कुल सामने प्रमाणित कर दिया। तो ये जो सामने प्रमाणित करते हैं ये भी इसको भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ कि क्योंकि इस वक्त टाइम से बात कर ले तो टाइम में एक ही चीज़ नहीं, टाइम में कई चीज़ें माने रखती हैं। टाइम ऐसे ऐसे करके हम बच्चों के लिए ये एपिसोड सत्येंद्र जी से बनवा रहे हैं ताकि बच्चे इस चीज़ को स्पष्ट कर लें कि ये होता कैसे है। क्योंकि हमने ये बात पहले कही थी कि ब्रह्मांड जो है ये ब्रह्मांड अपने में, पहले हमने बोला था कि इसमें एक फार्मूला है और एक ये जीवात्मा परमात्मा का फार्मूला, फिर हमने इसे मिथ्या कहा बताया था कि ये मिथ्या है। तो मिथ्या इस तरीके से है क्योंकि ये एक बीज के अंदर, जैसे बीज के अंदर पेड़ पौधा पत्ते सब चीज़ भरी हुई होती है, मगर वो बीज अगर ज़मीन में ना बोया जाए तो ये पेड़ पौधे पत्ते फूल पत्ते छाल और जड़ें उसमें नहीं आती हैं, मगर वो सब चीज़ उसके अंदर हैं, वो हैं इसलिए क्योंकि उसका सिद्धांत वही है। तो हमारी चेतन आत्मा और आत्मा इस ब्रह्मांड में हैं
और ये ब्रह्मांड एक बीज रूप है और ये कहीं बोया नहीं गया है, इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर के बीज में जो फूल पत्ते पौधे जैसे बीज होते हैं वो सब उथल पुथल हो रहे हैं, सब स्थापित हैं और चल रहे हैं, सब उतावले हैं कि भाई हमें कहीं बो दिया जाए, तो सब करने में लगे हुए, सब किया हुआ है और फिर भी सब करने में लगे हुए, ये बात भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो टाइम योगिक साइंस से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और फ्यूचर में या भविष्य में जाया जा सकता है, मगर वर्तमान में जो स्थिति है इसे लेकर के नहीं। और रही है साइंस साइंटिस्टों की बात, साइंटिस्ट जो हैं वो दोनों के अंतर को बता रहे हैं, टाइम में चलने की बात नहीं बता रहे हैं। चलने के लिए अपने अंदर जा कर के ध्यान और चेतन की स्थिति को जब पकड़ करके हम ऊपरी सतह पे रहते हैं तो हम बहुत सारे सीनों को बार बार बदलते हुए देखते हैं, अंतरात्मा में अपने अंदर झांकते हैं, और जब हम और गहराई में जाते हैं तो किसी भी सीन को हम एक ही पार्टिकुलर काम करते हुए उसे देखते हैं कि कर क्या रहा है। फिर अगर हम और गहराई में जाते हैं तो हम किसी उस सीन को चिन्हित कर सकते हैं कि मुझे यही देखना है, तो उसको देखा जा सकता है। तो कोई महाभारत हो, कोई रामयुद्ध देखना चाहें या कुछ ही, तो देख सकता है, ऐसा नहीं, मगर अनंत गहराई में अपने शरीर में जा कर के देख सकता है, क्योंकि जो चीज़ ब्रह्मांड में है वही चीज़, जो ब्रह्मांडे वही पिंडे, जो इस पिंड में वही है जो इस ब्रह्मांड में, इसलिए ये कोई चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है कि टाइम को ट्रेवल करना। मगर इन जो हमने फार्मूले बताए हैं कि तीन चीज़ों का बड़ा होना जरूरी है, चेतन जो प्रक्रिया है, दृष्टा और दृष्टि और दृश्य का होना बड़ा जरूरी है, और वर्तमान में आपका भूतकाल और भविष्यकाल का ये तीन भाग करे गए। मैंने जो फार्मूले बताए इसको आप ध्यान से सुने, बार बार सुने और बार बार देखें, आपको जरूर इसमें से कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, और जो ना समझ में आएगा मैं पुनः बताऊंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम ट्रेवल प्रोपाउंडेड बाय द साइंटिस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड द योगिक साइंस। द थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से that time travel is possible because there is different speed the planets and other heavenly bodies in the space, and they give a very very simple example. For example, if I travel in space and I take one round of the space and get back to the earth after 1 hour, then after 1 hour, after getting back onto the earth, I find that the earth has aged 100 years, it has elapsed 100 years. So 100 years on earth and 1 hour of me in space is equal. So they say I am in front of the future, means 100 years on, right, 100 years after the present time, so this is my future. Okay, so I have seen the future in 1 hour, right? So this is not time travel basically. Okay, this is the difference of time due to difference in speed, because I was traveling at a very very high speed, higher than the speed of light. Okay, that is why my 1 hour is equal to the 100 years on earth. So they say you have seen the future. No, this is not time travel, this is only the difference of time. Now what Sharma ji is saying from the yogic science, he is saying that until you come to the meditative state inside yourself, or you become sthit pragya dhyanast, then a moment comes, not moment, a state of mind is achieved when you are pure witness or pure chetan, pure consciousness. In that state you can see all your past and all your future. So this is the real time travel. So time travel means firstly traveling inside oneself, so that one becomes established in his own being, in his pure witness self, and from there
he will be able to see very clearly all his past and all his future, but not with the present existence. Okay, one has to be established in the meditative state in his own being, real being. So this is vision of yogic science. So this is not the time travel with the physical body, but this is the time travel by getting established in your real being, in your witness nature. From there, all the past and all the future will be seen or will be observable very clearly. Thank you.